रात में भी या सुबह यानी जो भी कराया जाता है 8 बजे से 8 बजे और तक टाइम लग जाता है उसे भी रोकने के बाद में, फिर रात को जुए में आपके द्वारा भी रात को यानी 1:30-2 बजे तक क्लास ली जाती है। इतना ही और इतने अच्छे से सिखाते हैं कि 0 लेवल का यानी हाईएस्ट लेवल, और मैं ये वादा करता हूँ एशिया टेलीकॉम से कि मैं इतने अच्छे लेवल का बन के दिखाऊंगा जो कि यानी शायद मेरे यानी जो जिले में कोई नहीं होगा। इतना काम कर रहे थे क्या पहले से? पहले बहुत साल पहले करा था, 1100 33 15। अच्छा अच्छा अच्छा। वो चार्जिंग आईसिंग वो सब हाँ। सॉकेट बॉकेट लगा ठीक है रहे थे। तब आपने देखा कि दूसरी जगह भी हमारे गुजरात में भी है बहुत हाँ। सारे सिखाने वाले हाँ। दे रहा, मगर वहां मैंने वीडियो देखा उनका तो सर्च कर रहे है काम और बंदे देख रहे है दूसरे स्टूडेंट हाँ। तो और यहाँ का वीडियो देखा तो मुझे ये पता चला कि सर खड़े हैं मगर स्टूडेंट के पास करवा रहे थे काम। बिल्कुल, यानी ये देख के मुझे लगा कि ये यहाँ हम काम सीख सकते हैं। पहले दिन से ही आते सर रिवॉल्विंग सिखाई आपको आते साथ, आपको ये भी नहीं बताया कौन सी एसी क्या है, सिर्फ रिवॉल्विंग करो बैठ के, क्योंकि ये हैंड स्किल का काम है, ये आना चाहिए नॉलेज बाद में। फिर बाद में आपको आईसीओ का भी नॉलेज दिया, अब सेक्शन पे चल रहे हैं। हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवत नगरवाल और आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम का चैनल। दोस्तों ये हमारे कोरोना काल का एक पहला बैच जो हमने निकाला है अभी, और जिसमें आप देख रहे होंगे काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमने बैच किया हुआ है। हमारी लैब है सबसे बड़ी, अब बहुत बड़ी हमारी लैब है इंडिया में, और यहाँ हम कह सकते हैं आप जहाँ आप अगर हमारे इसे टेलीकॉम को ज्वाइन करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रिकॉशंस मिलेंगे, और यहाँ पर आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है कोरोना काल में। दोस्तों ये जो बैच का एक आपको वीडियो दिखाया जा रहा है, ये है पिछले एक बैच का वीडियो, अभी करंट के बैच का भी ऑलरेडी वीडियो शूट हो चुका है जो कि आगे आपको दिखाया जाएगा। और दोस्तों इस बैच में जो स्टूडेंट आपको जो रिव्यू दे रहे हैं वो रिव्यू दे रहे हैं ये 5 से 6 दिन का जो रिव्यू दे रहे हैं, जिसमें हमने उनको करंटली लाइव मोबाइल में सबसे यहाँ हमारे टारगेट होता है कि हम एक स्टूडेंट को एक मोबाइल में जो हम CPU निकलवा के लगवाते हैं वो हम 2 बार नहीं 3 बार नहीं हम कम से कम 5 बार, जो कि हमने टारगेट बढ़ा के इस बार 10 बार कर दिया है। हम उनको जब सपोज ऐसे हमारे पास में 20 स्टूडेंट है और 20 स्टूडेंट के पास में एक लाइव सेट है तो हम उनको सारे सेटों को स्विच करवाते हैं और हर एक सेट से उनसे IC निकलवा कर हम उनको लाइव करवाते हैं। ये हमारा टारगेट रहता है, उसी टारगेट के हिसाब से हम इनको पढ़ाते हैं, और जो हमें इसको ट्रेसिंग कराना है या हमें ICO का नॉलेज है और जो सप्लाई का नॉलेज है, फिर हम अपने जो हमारे सेक्शन के हिसाब से हम इनको देते हैं। तो वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ एसर टेलीकॉम के ऑफिशियल चैनल पर अभी आपने देखे होंगे कि हमने अपने बैचों के वीडियो डालना बिल्कुल टोटली बंद कर दिए थे क्योंकि कोरोना काल के कारण। बट अभी हम ये हमारा पहला वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इसके साथ ही एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जो कि मैं iPhone 6 में लाइट सेक्शन के ऊपर डालने वाला हूँ, कंप्लीट एक एंडलेस सोल्यूशन। दोस्तों उसके साथ ये जो बैच है ऑलरेडी हमारा पास आउट हो चुका है, और इसका जो आउटपुट है जैसे इन्होंने कहा था कि हम इनसे ब्लैक पेस्टेड कराएंगे, तो इनका लाइव ब्लैक पेस्टेड का जो एक रिव्यू है, जो एक लाइव है जो कि इंडिया में अब तक किसी ने डाला है, वो हम न्यू गैजेट नगरी समीर जी के चैनल पर डाला हुआ है, आप जाके उनके चैनल पर देख सकते हैं। और उसके साथ ही उनके चैनल पर एक और हमारा वीडियो आने वाला है जो कि लाइव पावर IC का है, इन्हीं सारे बच्चों से लाइव पावर IC निकलवा के हमने लगवाई है, तो वो भी आप देखने वाले हैं। और अभी के जो करंट एक आप सेक्शंस में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा अभी करंट का बैच चल रहा है उसमें अगर हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं 20-25 या जो भी स्टूडेंट हैं, हम उनसे लाइव सारे स्टूडेंट से एक ही स्टूडेंट से आपको लाइव पावर का एक बहुत अच्छा एक वीडियो आपको देने वाला है, जिससे आपको पता चलेगा कि एसर टेलीकॉम का हर एक बच्चा, ये भी नहीं सिर्फ वो बच्चे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं वो बच्चे जो फ्रेशर है वो बच्चे भी एक वीडियो के सामने आकर आपको लाइव पावर IC करके दिखाए, तो आपको पता चलेगा कि एसर टेलीकॉम ज्वाइन करके आप जो आपका एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं तो सीख के जाऊँगा ही, एक वो वाला लेवल हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो में आपको मिलेगा बहुत सारी जानकारी। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पढ़ना है तो नीचे हमारी वेबसाइट आपको दिख रही होगी वीडियो में, तो आप वेबसाइट पर जाके नंबर आप वेबसाइट पर जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं, नंबर पर आप कॉल कर सकते तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग हमने कितनी करके रखी है, आप लोग एक सर बताइए क्या यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं आ रही है। आप जब यहाँ आए तो आपको पहले क्वारंटाइन कराया गया ना 10 दिन का क्वारंटाइन किया। हॉस्टल की बात करें तो बिल्कुल क्लीन है कि नहीं है? बेड सोने से लेकर खाना खाने तक की आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है क्या? आज की डेट में कहीं भी बाहर जाना पड़ता है? नहीं, सारी व्यवस्था क्लीन है। यहाँ पे आप कितने बजे से कितने बजे तक रखते हैं? 1 मिनट खड़े हो जाइए, आपका नाम बताइए। 8 बजे से शाम के 8 बजे तक यहाँ पे रहते हैं। आपका नाम बताइए? हमजा शेख। हमजा आप कहाँ से हैं? मैं अभी
मुंबई से हैं आप ये बताइए, आपने इतने कोरोना काल में जहां लोग ऑनलाइन पे बैठकर घर पे सीख रहे हैं, आप क्यों ये सोचा कि मैं यहां आऊं और मुझे सीखना है यार? नहीं, मुझे तो ऑनलाइन नहीं सीखना, मैं ऑफलाइन ही सीखना चाहता हूं। रीजन क्या है एक बताइए। सर, रीजन ये है कि यहां पे प्रैक्टिकल करने को मिलता है और ऑनलाइन में उतना प्रैक्टिकल कर नहीं पाते। ऑनलाइन में प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, वो तो आपने जो देख लिया वो देख लिया, उसके दो आपको सवाल भी नहीं पूछ पाएंगे, आपको कोई कुछ मिलेगा नहीं। आप ये बताइए, आप कितने दिन से यहां पर हैं? अभी क्लास के टाइम पे, सिर्फ क्लास की बात करता हूँ, सातवां दिन है और यहाँ पर अब तक आप कितना सीखे? आपको क्या लगा कि मैं बाकी में सही किया या नहीं किया, बताइए। बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया मैंने यहाँ पे आके। और अभी अभी के पहले और अब के हमजन में कितना अंतर है, बताइए? बहुत फर्क है। एज अ बीन टेक्नीशियन कितना फर्क है? बहुत फर्क है। आज अब आप ही से चालू करते हैं, ठीक है? बैठिए, थैंक यू। एक बार हमजन के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, इनके लिए, आप लोगों के लिए एक ताली आप लोगों के लिए बजाइए कि आप लोग इतने कोरोना में आए। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर सबसे पहली बात दोस्तों कि हमने बहुत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इनको रखा है और सारी चीज हमने यहाँ पर की है, तो सारी यहाँ पर हमने प्रिकॉशंस की है, सब चेक करते हैं, सारी चीजें यहाँ पर हमने की हुई है, तो ये पूरा मैनेजमेंट हमने बना के रखा हुआ है। तो सबसे पहली बात शुरुआत करते हैं, 5 दिन का आउटपुट बनाएंगे, 7 दिन का नहीं, 5 दिन का आउटपुट बनाएंगे। तो सब लोग बताइए किस किस को रिबॉलिंग आती है, हाथ करके बताइए किस किस को रिबॉलिंग आती है। सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर? एमिट एमिट, जब आप आए थे किस किस को रिबॉलिंग नहीं आती थी ये बताइए। हाँ, उठाइए हाथ, उठाइए। तो आप लोगों को रिबॉलिंग नहीं आती थी ना? अब आप एमिटर दीजिए, आप बताइए। आप अगर आपको सीपीयू दे देंगे, पावर एसी एमएमसी, तो आप रिबॉल कर लेंगे, बताइए कौन कौन? आप रिबॉल कर लेंगे। कौन कौन ने लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के 5 बार तो लगाया है कम से कम? आपने लगाया है? कितनी बार लगाया है? छह सात बार लगाया आपको लाइव मोबाइल में, चालू मोबाइल में आपको आईसी लगाने का दिया, उसके बाद अब हम एंड्रॉइड करेंगे, उसके बाद हम पेस्टेड करेंगे। यहाँ पर आपको जो हमारी टीचिंग है थोड़ी हार्ड लग रही होगी, पर अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में यहाँ पर? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हो गया है। कॉम्पोनेंट क्लियर हो गया हमारे? रजिस्टर कितने प्रकार के? पहला बोलिए नॉर्मल, दूसरा एमिट। चलिए एक एक करके हम बोलते हैं। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है, आपका नाम बताइए। मोहम्मद, आप कहाँ से हैं? यूपी से हैं। आप ये बताइए कि रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? रजिस्टर 7 प्रकार के होते हैं, बताइए। नॉर्मल रजिस्टर, डुअल रजिस्टर, नेटवर्क रजिस्टर, कोड रजिस्टर, फ्यूज रजिस्टर, थर्मिस्टर और वीडीआर। क्या इन्होंने बिल्कुल सही बताए हैं? आप नो रट्टा तो मार के नहीं आए हो ना? कोई भी रट्टा, आपको कोई भी रजिस्टर देंगे तो चेक करते बनेगा ना? जब आप आए थे 1-2 दिन में तो कंफ्यूजन बहुत था ना आपको, बताइए पहले दिन और दूसरे दिन के और आपके में अंतर बताइए। पहले दिन में कंफ्यूजन था कि नहीं था? अच्छा, फ्रेशर कौन कौन है यहाँ पर, हाथ उठाइए जरा। फ्रेशर, फ्रेशर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, आप बताइए फ्रेशर का मतलब क्या होता है और बाकी आप में तो अब तो पता चल गया होगा। तो बिल्कुल कुछ भी नॉलेज है था ही नहीं, मतलब रजिस्टर क्या होता है बस सुने ही थे नाम। आपने आज तक मोबाइल ही नहीं खोला है, सही बात बताया तो? कभी नहीं देखा है, मतलब आप बिल्कुल फील स्विच करके आए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर बहुत सालों से काम कर रहे हैं, पर वो भी कनेक्टर्स पर ही काम कर रहे हैं, नॉर्मल पीसीबी देखकर काम कर रहे हैं। पीसीबी बोलते हैं जिसको हम, ऑन बोर्ड जो सेक्शन समझ के काम कर रहे हैं, ट्रेसिंग कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर ट्रेसिंग सीखने आए हैं, क्या क्या सीखने आए हैं आप बताइए जरा? आप बैठ जाइए, ठीक है, बताइए क्या क्या सीखने आए? तुम क्या यहाँ पर सीखने आए हो? तुम कितने साल का एक्सपीरियंस है तुम्हारा? 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं। कहाँ लैक हो रहा था, कहाँ तुम्हें लग रहा हो कि अब तुम्हें लगता है कि क्या मैं सीख लूंगा यहाँ से, बताइए। मतलब आईसी अब रिबॉलिंग और निकालने लगाने डर तो खत्म हो गया ना, पेस्टेड का भी बिल्कुल डर खत्म करवा देंगे यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, बैठिए। तो आप ये बता रहे हैं, अच्छा थर्मिस्टर एक सबसे बड़ा एक सब्जेक्ट है, लोग नॉर्मल रजिस्टर तो चेक कर लेते हैं, वीडियो चेक कर लेते हैं, पर थर्मिस्टर चेक नहीं कर पाते हैं। अब आप बताइए क्या थर्मिस्टर ढूंढ सकते हैं कि नहीं ढूंढ सकते बिना स्कीमेटिक डायग्राम के? बोर्ड में ऑन बोर्ड थर्मिस्टर, थर्मिस्टर सर कितने प्रकार के? नाम बताइए। पीटीसी का मतलब क्या होता है? और एनटीसी? और ये बताइए कि हमारे मोबाइल में कौन सा लगा होता है? एनटीसी लगा होता है। थैंक यू, इसकी जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों सवाल बहुत सारे हैं, अगर मैं बात करूं अब एक साथ कर लेते हैं, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा यहाँ पे। मैं हर एक से, आप बताओ हर एक से सवाल पूछ सकता हूँ कि नहीं पूछ सकता हूँ? किसी से भी सवाल पूछ सकता हूँ यहाँ पर। तो अभी मैं एक और को उठाना चाहूंगा, आप बताइए आपका नाम क्या है? परेश। आप ये बताओ, अब मैं आपसे डायोड पूछ लूं, कॉइल पूछ लूं, सब बता सकते हैं यहाँ पर। कॉलकॉम के बारे में बताइए, आईसीयू के बारे में बताया गया है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए कॉलकॉम में सीपीयू कौन कौन से आ रहे हैं? 3 प्रकार के अभी आ रहे। कौन कौन से? SMD, SM आ रहा है, SM आ रहा है, MSM, MSM आ रहा है, और एक आ रहा है
SDM. अच्छा, ये जो सीपीयू आपकी टेक्नोलॉजी बताई है आपको, जब मैंने सुधा ने बताया था ना कि 80% ऐसी देख कर पहचान लोगे, पहचान सकते कि नहीं पहचान सकते? PFO पहचान सकते कि नहीं पहचान सकते? दो PFO के नाम बताओ, तीन PFO के नाम बताओ। PFO में RF, TQ, QM कौन सा PFO है बताइए? लेटेस्ट 5G वाला PFO, लेटेस्ट 5G वाला आपको बताया गया है। स्काई बता, एयर हुआ और अवागो, तो ये सारे पीए बताए। आप बताइए अपना पर्टिकुलर एक्सपीरियंस बताइए यहाँ पर आपका आने का। पहले बताइए कि क्यों इतना कोरोना में आपको आने दिया, क्या आपने मतलब देखा आपने घर में, कितने से बात की कि नहीं मुझे तो जाना है, फिर आपने डिसाइड किया नहीं मैं तो आऊंगा यहाँ पर, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। यहाँ के जो मैंने ऑनलाइन वीडियो देखे, हाँ, तो ऐसा लगा कि हमने समझ लो मोबाइल में कुछ जानते ही नहीं। अच्छा, आप कुछ काम कर रहे थे क्या पहले से? पहले बहुत साल पहले कर रहा था, जो 1100 3315। अच्छा अच्छा अच्छा, वो चार्जिंग आईसीन वो सब, हाँ, सॉकेट वॉकेट लगा ठीक है रहे थे। तब आप देखा कि दूसरी जगह पे हमारे गुजरात में भी है बहुत सारे सिखाने वाले, दे रहा, मगर वहां मैंने वीडियो देखा उनका तो सर्च कर रहे है काम और बंदे देख रहे हैं दूसरे स्टूडेंट, हाँ, तो और यहाँ का वीडियो देखा तो मुझे ये पता चला कि सर खड़े हैं, हाँ, मगर स्टूडेंट के पास करवा रहे थे काम। बिल्कुल, यानी ये देख के मुझे लगा कि ये यहाँ हम काम सीख सकते हैं। पहले दिन से ही आते सर रिवॉल्विंग सिखाई आपको, आते साथ आपको ये भी नहीं बताया कौन सी ऐसी क्या है, सिर्फ रिवॉल्विंग करो बैठ के, क्योंकि ये हैंड स्किल का काम है, ये आना चाहिए नॉलेज बाद में। फिर बाद में आपको आईसीओ का भी नॉलेज दिया, अब सेक्शन पे चल रहे हैं, ट्रेसिंग की बात करेंगे तो बनेगी ट्रेसिंग यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ आना आपका सही रहा कि डिसीजन की कोरोना में मैं इतना गलत तो नहीं किया इतनी दूर आकर? गलत तो नहीं, गुजरात से आए आप? कहाँ से? गुजरात में? अहमदाबाद से आए आपने? अहमदाबाद से यार बहुत दूर है अपना जबलपुर, तो आपने एसे टेलीकॉम को इसलिए चुना क्योंकि आपको लगा कि हम लोग प्रैक्टिकल करा रहे हैं और स्टूडेंट से कराते हैं, इसलिए आप अब यहाँ के खुद देखे। हमने कभी किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट, अगर आपको लगा कि कोई वीक है, एज अ बीइंग सीनियर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको लगा कि कोई वीक है तो उस पर हमने ज्यादा ध्यान दिया है कि नहीं किया है? कौन स्टूडेंट है जिसको हमने और रात में रोक कर रखा है यहाँ पर जो स्टूडेंट है? आप बताइए आपका नाम क्या है? विनायक। आप बताइए कि क्या है आपके साथ, मतलब रोक के क्यों रखा हमने आपको? मतलब सर रिवॉल्विंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। आपको रिवॉल्विंग में दिक्कत आ रही थी, तो कितने बज गए थे जब ये लोग चले गए थे? साढ़े आठ। तो उसके बाद में सर ने आपको स्पेशल, जो हमारे मोहम्मद सर हैं, उन्होंने आपको स्पेशल यहाँ पर रोक कर रखा और फिर बाद में आपको रिबॉलिंग करवाई यहाँ पर, मतलब एक कॉन्फिडेंस आपको आया यहाँ पर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और रात में ऑनलाइन की एक आपको और क्लास भी मिली, एक ऑनलाइन का भी आपको क्लास मिला, एक जूम में आपके थ्रू जो मैंने दिन में पढ़ाया वो रात में दिया, तो बताइए फिरोज सर कैसे है यहाँ पर? आप सबने बताया, थैंक यू वेरी मच। ये बताइए फिरोज सर कैसे आप लोगों के लिए? एक कोई जन बोलता सकता है फिरोज सर के लिए? बताइए सर, फिरोज सर जो है हार्डवेयर के सर बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं और उनकी सिखाने की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि यानी किसी को नॉर्मल जैसे मैं हूँ मुझे कुछ नहीं आता था, उन्होंने इतने अच्छे से रिवॉल्विंग कराई कि आज मैं बहुत अच्छे से रिवॉल्विंग कर लेता। कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, मैं चालू सेट में भी यानी रिवॉल्विंग करके आईसी को निकाल के दोबारा लगा देता हूँ, तुरंत यहाँ की तुरंत चालू कर दो। तो ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए फिरोज सर। तो आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्यों यहाँ आपने, आप कहाँ से? सर मैं आगरा यूपी से हूँ सर। आप आगरा से? आपने, अच्छा ये बताओ जब आप यहाँ से निकल रहे थे तो आपके घर वालों ने जाने दिया था क्या आपको? नहीं सर, घर वालों को मैं बता के भी नहीं आया हूँ कि मैं यहाँ एसबीआई टेलीकॉम आया हूँ। अच्छा, घर वालों को बता के नहीं आया, नहीं तो बोल के आते तो वो कोरोना में कहीं जाने नहीं देते। और मुझे एक यानी मुझे जोश है कि मुझे यानी एसबीआई टेलीकॉम में ही मुझे इतनी क्वालिटी अच्छी लगी कि मैं उसी में ही सीखूंगा, और इतने अच्छे से सिखाते हैं कि जीरो लेवल का यानी हाईएस्ट लेवल, और मैं ये वादा करता हूँ एशिया टेलीकॉम से कि मैं इतने अच्छे लेवल का बनके दिखाऊंगा जो कि यानी शायद मेरे यानी जो जिले में कोई नहीं होगा इतना से। क्या 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 कहेंगे ऐसे जुनून का, क्या कहेंगे आप? सर ये दीवानापन होना जरूरी है सर काम सीखने के। वेरी गुड, सब अच्छे से कर रहे हैं और इसको कंटिन्यू रखना है, थोड़ा टाइम के लिए नहीं, जाने के बाद भी ऐसा रहना है, मतलब ये चाहिए हमको यार। सर ये मुझे फिरोज सर क्या था सर इतना यानी अच्छा से सिखाया उन्होंने मेरे को, इतने अच्छे से कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता और इतना मुझे जो और मैं जो इतने ही बहुत तरीके से ऐसे सीख के जाऊंगा कि एक एक बारीकी को कड़कड़ को निकाल के जाऊंगा, एक एक नस और देवेंद्र अग्रवाल ने कैसे सिखाया सर? वो तो और ही बेस्ट है सर। चलिए ठीक है, मैं इतना जानना चाहता हूँ आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर कौन स्टूडेंट लायक है एक्चुअल में आने के लिए, एक 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 शब्द बताओ कौन स्टूडेंट लायक है जो यहाँ बैठने के लिए तैयार हो सकता है, बताइए।
कौन बताइए यार, जो जिसको खाना पीना छोड़ दो, मेहनत करना है। एसी में रहना नहीं चाहिए सर, एसी में रहना है तो गोवा जाओ, घूम कर आ जाओ, ये जिंदगी भर आने का है, यहाँ एसी में बैठने का नहीं, यहाँ चार टाइम खाने का नहीं है, समझ में आ रहा है? रात में भी या सुबह यानी जो भी कराया जाता है 8 बजे से 8 बजे और तक टाइम लग जाता है उसे भी रोकने के बाद में, फिर रात को जुए में आपके द्वारा भी रात को यानी 1:30-2 बजे तक क्लास ली जाती है। इतना आपको आने से पहले बोल दिया था कि आपको एक बार फिर आना है, है ना, एक बार फिर आना है आपको, और उस टाइम पे आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार में कोई नहीं सीख सकता है, इसलिए ऑलवेज आपके लिए द्वार खोले हैं हमने यहाँ पर, और हर एक का एक बैच बनाया हमने, बनाया कि नहीं बनाया है। तो सर ये है कि यहाँ पर वो बंदा सीख सकता है जिसको एसी में नहीं सोना है, जिसको ज्यादा खाना, चार टाइम का खाना खाना है, वो आ ही नहीं सकता है, भाग जाएगा, पहले दिन में भाग जाएगा, ये देख कर के यार ये लोग इतना काम कर रहे हैं, हमसे कितना काम करवाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों यहाँ पर ये है हमारा बैच, और ये वीडियो हो जाएगा बहुत ज्यादा लंबा, और थैंक यू वेरी मच, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। तो ये था हमारा कोरोना काल पीरियड का पहला एक सेक्शन, जहां हमने इनको बुलाया और काफी सैनिटाइज या प्रिकॉशंस के साथ हमने यहाँ पर इनके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कम बैच लगाए। तो देखिएगा बहुत कम हमारे स्टूडेंट है, नॉर्मली हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो 40-45 के लगभग होती है, पर इसलिए हमारी स्ट्रेंथ बिल्कुल आधी है। तो ये हमारा पहला बैच और ये हमारा आउटपुट है 5 दिन का। इनका अभी आगे बहुत सारे वीडियो आएंगे, कौन कौन से वीडियो इनके आने वाले हैं अभी आगे? 4G हैंडसेट में CPU स्वाइपिंग हो गया, या ब्लैक पेस्टेड के इनके माइक्रो जंपरिंग और बिल्कुल, तो ये सारी चीजें इनके आएंगे, और प्लस इनके सॉफ्टवेयर के भी वीडियो आएंगे, सॉफ्टवेयर में भी इनके बहुत सारे वीडियो आएंगे, तो इनको प्रोग्रामिंग भी, आप सभी लोग MMC करने वाले ना यहाँ पर, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पढ़ने आना है तो नीचे दिए वेबसाइट पर www.acertelecommobilerepairing.com या www.acertelecom.info पे जाइए, और हमारी वेबसाइट पर सर्च कीजिए, और हमारे आप बुकिंग करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ करंट महीने की बुकिंग नहीं होती है, हमारे यहाँ कम से कम 2-3 महीने का एडवांस बुकिंग चलता है, जो ऑलरेडी बहुत फुल है हमारा ऑलवेज नवंबर तक। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लर्निंग, कीप हार्ड वर्किंग, थैंक यू वेरी मच। सो इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है?